इंट्रोड्यूसिंग सैमसंग गैलेक्सी M41। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज़ का नया स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है इंडिया में, जिसमें आपको काफ़ी बढ़िया फीचर्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको इसमें मिलेगा 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, साथ में आपको मिलेगा एक्सिनोस 9609 का प्रोसेसर। दोस्तों ये सैमसंग का पहला फ़ोन होने वाला है इंडिया में जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कैमरा की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी इस फ़ोन में, साथ में आपको इस फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है और जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M41 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में और इसकी लॉन्च डेट के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। फ़ोन की बैक साइड में आपको पॉलीकार्बोनेट का बैक देखने को मिलेगा विद ग्लोसी 3D फिनिश, साथ में आपको मिलेगा ट्रिपल कैमरा सेटअप। फ़ोन की फ्रंट साइड में आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगी और आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। अब बात करते हैं फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। दोस्तों फ़ोन में आपको मिलेगी 6.39 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले, जो कि एक वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले होने वाली है। रेजोल्यूशन आपको मिलेगा 1080x2340 पिक्सल का और पिक्सल डेंसिटी आपको मिलेगी 409 पिक्सल पर इंच की, और आपको स्क्रीन पर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। तो फ़ोन में आपको सैमसंग की सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको कलर सेचुरेशन और कलर रिप्रोडक्शन काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी डिस्प्ले में। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के कैमरा के बारे में। फ़ोन की बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहां पर आपको पहला कैमरा मिलेगा 64 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा आपको मिलेगा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, और तीसरा कैमरा आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा। दोस्तों फ़ोन की फ्रंट साइड में आपको 24 मेगापिक्सल का वाटर ड्रॉप नॉच कैमरा देखने को मिलेगा। दोस्तों M सीरीज़ के इस स्मार्टफोन में आपको कैमरा क्वालिटी काफ़ी लाजवाब देखने को मिलेगी, आपको लो लाइट में भी कैमरा की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगा एक्सिनोस 9609 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर, साथ में आपको मिलेगा माली G72MP3 का GPU। तो फ़ोन की परफॉर्मेंस आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी, कोई भी लैग हीटिंग इशू और हैंगिंग प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस फ़ोन में आप PUBG गेम भी आराम से चला पाएंगे, काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस आपको फ़ोन की देखने को मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन की बैटरी के बारे में। दोस्तों फ़ोन में आपको मिलेगी 4100mAh की बैटरी, जो कि 30W डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। टाइप सी का सपोर्ट आपको मिलेगा और 3.5mm का ऑडियो जैक भी आपको फ़ोन में मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगा एंड्रॉयड 9.0 पाई का ऑपरेटिंग सिस्टम और कस्टम UI आपको मिलेगा सैमसंग का One UI। तो फ़ोन की परफॉर्मेंस आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज देखने को मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के रैम वेरिएंट और इसकी प्राइस के बारे में। फ़ोन में आपको 3 रैम वेरिएंट देखने को मिलेंगे। पहला वेरिएंट आपको मिलेगा 6GB 64GB, दूसरा वेरिएंट आपको मिलेगा 6GB 128GB, और तीसरा वेरिएंट आपको मिलेगा 8GB 128GB। दोस्तों अगर बात करें फ़ोन की प्राइस के बारे में, तो यहाँ पर जो बेस्ट वेरिएंट होने वाला है यानी कि 6GB 64GB वाले वेरिएंट की प्राइस आपको लगभग 22 से 24 हज़ार रुपये के आसपास देखने को मिलेगी। तो फ़ोन में आपको काफ़ी बढ़िया कैमरा परफॉर्मेंस तो मिलने ही वाली है, साथ में फ़ोन की परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको 24 हज़ार रुपये में काफ़ी बढ़िया फीचर्स फ़ोन में देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन की लॉन्च डेट के बारे में। तो फ़ोन की लॉन्च डेट अभी कुछ कन्फर्म नहीं हुई है, लेकिन ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है इंडिया में दिसंबर के मंथ तक। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।